कोरोना की कारगर और प्रभावी वैक्सीन आखिर कब आएगी, और अगर आ गई तो उसे लेने के बाद वह इंसान को कब तक कोरोना वायरस से बचाएगी, इसको लेकर पिछले कई दिनों से बहस चल रही है। कई विशेषज्ञों ने इसको लेकर अलग अलग दावे किए हैं। अब रूस ने अपनी दूसरी वैक्सीन को लेकर एक खुश करने वाला दावा किया है। इस वैक्सीन को विकसित करने वाली रूस की वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में जीनोटिक रोगों और फ्लू विभाग के प्रमुख अलेक्जेंडर राइजोविक का कहना है कि यह वैक्सीन कम से कम 6 महीने के लिए वायरस की प्रतिरोधक क्षमता की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ जीवन भर प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती है, लेकिन टीकाकरण को आवश्यकता के अनुसार दोहराया जा सकता है। रशियन समाचार एजेंसी ताश के मुताबिक राइजिकोव ने कहा कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस के म्यूटेशन के बीच एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि टीका पूर्व नैदानिक अध्ययन और नैदानिक परीक्षणों के पहले चरण के दौरान सुरक्षित साबित हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जुलाई को रूस के दूसरे कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिली थी और 27 जुलाई को पहले स्वयंसेवक को कोरोना की डोज दी गई थी। यह परीक्षण 30 सितंबर तक चलने की उम्मीद है और अक्टूबर तक इसे रजिस्टर कर लिया जाएगा, जबकि नवंबर से इस वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।